अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि क्या कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियन से, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है, इधर बेखरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहां पर अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग भी यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं।